हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डायवर्जन टैक्स नहीं भरने पर संघवी के एक और संस्थान को सील कर दिया है। यहां पर 14 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया था। नोटिस के बाद भी रुपए जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। इसके पहले भी 47 लाख रुपए के टैक्स बकाया होने पर पिकडम्बर स्थित कॉलेज को सील कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कनाड़िया स्थित संघवी इनोवेटिव एकेडमी कॉलेज पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। एकेडमी पर 14,37,710 रुपए का डायवर्जन बकाया था। राशि जमा नहीं करने के कारण तहसीलदार कनाड़िया ने पुलिस बल के साथ मिलकर कुर्की की कार्रवाई की। डायवर्जन टैक्स नहीं भरने पर जिला प्रशासन ने शनिवार को सुरेंद्र संघवी के बेटे प्रतीक संघवी के पिकडम्बर स्थित कॉलेज को कुर्की में ले लिया और इसके मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। प्रतीक संघवी की कंपनी संघवी मेटल्स पर जिला प्रशासन का डायवर्जन टैक्स 47,14,216 रुपए बकाया था, जो नोटिस के बाद भी नहीं भरा गया। नायब तहसीलदार संजय गर्ग की कोर्ट से जारी कुर्की नोटिस की तामील के लिए राजस्व निरीक्षक राकेश पगारे के साथ पटवारी सचिन मीणा, मुकेश ठाकुर व पुलिस बल पहुंचा और कॉलेज के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा करने के बाद ताला लगा दिया। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.